हेलो। बिस्मा सोनाली। ओके, तो आप लोगों को पता है कि नहीं कि जो हमारे नॉर्मल नंबर्स रहते हैं उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं? यस और नो, जल्दी बोलो। तो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ उसकी 64 बिट की है या फिर 128 बिट की है, 56 बिट की है, तो ये क्या है? आपके बाइनरी नंबर्स है जो आप लोग सिलेक्ट करोगे थ्रू ASCII वैल्यू। ठीक है, तो जब सबसे पहले ये अल्गोरिदम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 128 बिट की यूज होती थी जिसे हम लोग 64 बिट में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे ये जो अल्गोरिदम है ये डेवलप्ड हो गया और इसके अंदर थोड़े से अपग्रेशंस आ गए, तो उसके बाद 1997 में द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ टचमैन रिसर्च इस प्रोजेक्ट वॉज एडॉप्टेड एज अ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बाय IBM एंड DES इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट की इंक्रिप्शन टेक्निक अडोप्टेड बाय इंडस्ट्रीज टू हैव अ सिक्योर कम्युनिकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, तो DES जो मतलब एलयूसिफर जो एल्गोरिदम था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और 1997 में जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया जिसको अभी हम लोग DES बोलते हैं, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और अभी इसके अंदर 64 बिट की यूज होती है, पहले 128 बिट की यूज होने की, लेकिन अभी 64 बिट की यूज होती है और 64 बिट के की को हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं। देन DES इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट की इंक्रिप्शन टेक्निक अडोप्टेड बाई इंडस्ट्रीज टू हैव द सिक्योर कम्युनिकेशन। तो DES जो है ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन DES यूज टू इंक्रिप्ट द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अकाउंट ट्रांजेक्शन इन ATM यूज बाय क्लियरिंग द हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम टू द ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ओवर द 1.5 × 10^12 पर वीक। तो बेसिकली इसका DES का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो आप लोग ATM कार्ड यूज करते हैं उसके पीछे जो नंबर रहता लिखा रहता है, जो बारकोड में लिखा रहता है, लास्ट के 3 डिजिट खाली अपने को दिखते हैं, तो वो जो पूरी तरीके से जो नंबर डेवलप्ड होता है या फिर क्रिएट होता है उसके पीछे DES एल्गोरिदम रहता है। जो आपके पिन कोड जो जनरेट होते हैं ATM के उसके पीछे DES एल्गोरिदम है। तो DES एल्गोरिथम में डेटा कैसे इनक्रिप्ट होता है वो हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। द DES इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक डेवलप्ड टू ऑब्टेन अ मोर सिक्योर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो अभी तक आपने ट्रांसपोजिशन टेक्निक एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक दोनों चीजें देखी है। हमने इसके अंदर ट्रांसपोजिशन टेक्निक में हमने दो चीजें देखी थी कि हम लोग कैसे एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट के एक्सचेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा था कि हम लोग एक अल्फाबेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय अदर अल्फाबेट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो DES में होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों मेथड्स आप लोग कंबाइन करके यूज करोगे एंड दैट इज कॉल्ड DES एल्गोरिथम। तो आपको सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन क्या है ये दोनों पता होना चाहिए। ओके, देन DES इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट 64 बिट डेटा ब्लॉक थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन यूजिंग 56 बिट इंक्रिप्शन की। इट टेक अ 64 बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट एज ए इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 64 बिट ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट। ये बहुत कॉमन चीज है कि अगर आपने 64 बिट का जो डेटा है प्लेन टेक्स्ट है इसको आपने इनक्रिप्ट किया है बाय DES एल्गोरिदम, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी 64 बिट का ही साइफर टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, आपका जो बिट है उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अगर आपका 128 बिट का की है तो वो जब इनक्रिप्ट हो जाएगा बाय DES एल्गोरिदम तो उसका आउटपुट जो है वो 128 बिट साइफर की ही आएगा। क्लियर? देन नेक्स्ट इज डायग्राम देखो, इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। सेम फेस्टल राउंड में जो हमने कल देखा था वैसे ही है, बट ये बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट बॉक्स है DES साइफर, देन DES रिवर्स साइफर। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर जब आप लोग इंक्रिप्शन करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 64 बिट साइफर टेक्स्ट आएगा।
देन जब आप लोग उसको रिवर्स करोगे यानी क्या, आपने इनक्रिप्शन कर लिया, अभी उसको डिक्रिप्ट भी तो करना है ना, मतलब ओरिजिनल मैसेज क्या है वो भी आपको देखना है। तो ओरिजिनल मैसेज देखने के लिए आप लोग जो की यूज करोगे दैट इज 56 बिट ऑफ की, यानी इंक्रिप्शन के लिए आप लोग 64 बिट की यूज करोगे एंड फॉर द डिक्रिप्शन यू हैव टू यूज 56 बिट ऑफ की। ठीक है, ये डिफरेंस है। बट आपको आपको डिक्रिप्शन की प्रोसीजर नहीं है, आपको खाली इंक्रिप्ट कैसे करना है वही देखना है। देन विद अ प्राइवेट की इंक्रिप्शन टेक्निक द की नोन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इवन इफ इट इज अ सीक्रेट द नोन एज अ सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, सो बेसिकली जब आप लोग डीएस एल्गोरिदम यूज करते हो, तो मैंने कल ही आपको बोला था कि जो आप लोग अलग अलग की यूज करोगे हर एक राउंड के लिए अलग अलग की रहेगी, लेकिन जो डिक्रिप्ट करने वाला है, सपोज आपने मेरे मैसेज को डिक्रिप्ट कर लिया डीएस एल्गोरिदम से, डीएस एल्गोरिदम में 16 राउंड रहते हैं, तो 16 राउंड के लिए आपको 16 कीज की जरूरत है। लेकिन जब मैं उसको डिक्रिप्ट करूंगी एज अ रिसीवर, तो मेरे पास वो 16 कीज होनी चाहिए तभी वो मैं और मैं वो कीज जो है उसको रिवर्स फॉर्मेट में यूज करूंगी तभी मुझे ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। तो इसको हम लोग सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं या फिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग होता है कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सेम ही की का इस्तेमाल करते हैं, जो अल्गोरिदम में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज होता है उसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो डीएस इज अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, समझ में आया? डीएस में आप लोग इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज करते हो और उसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं? ओके, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर यूज होता है। तो आपको पता है स्ट्रीम साइफर क्या होता है? दिस ऑपरेट ऑन अ सिंगल बीट एट अ टाइम एंड मैकेनिज्म चेंज द की कॉन्स्टेंटली। एंड ब्लॉक साइफर में क्या होता है? पूरे ब्लॉक को जो है हम लोग एट अ टाइम इंक्रिप्ट करते हैं। क्योंकि डीएस दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसके अंदर दोनों मेथड आप लोग यूज करोगे, तो ये ब्लॉक साइफर या फिर स्ट्रीम साइफर का भी यूज होता है। तो जब आप लोग सिंगल बिट को कन्वर्ट करते हो तो सिंगल बिट कहाँ पे आपकी यूज होती है? जहाँ पे आप लोग एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो एक्सॉर में क्या होता है, एक एक जो बिट है आपकी वो चेंज होती है और वो पूरा जो आउटपुट आता है वो आप लोग उठा के राइट साइड में प्लेस करते हो, तो वहां पे आपका ब्लॉक साइफर यूज होता है। मैं आपको डायग्राम में ये चीज दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो डीएस एल्गोरिदम हैज 16 राउंड, दैट मेन एल्गोरिदम इज रिपीटेड 16 टाइम्स बिफोर द प्रोड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट। इट्स फाउंड द नंबर ऑफ राउंड इज एक्सपोनेंशियली एंड प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फाइंड अ की यूजिंग अ ब्रूट फोर्स अटैक। देयरफॉर द नंबर ऑफ राउंड इंक्रीज एंड सिक्योरिटी ऑफ एल्गोरिदम ऑल्सो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोग डीएस में 16 राउंड परफॉर्म करते हो, यानी अगर आपको ए को कन्वर्ट करना है एक कॉन्फिडेंशियल लेटर में, सपोज मुझे एस में कन्वर्ट करना है, तो ए को एस में कन्वर्ट करने के लिए बीच में मैं उसका जो इंक्रिप्शन करूंगी वो 16 राउंड्स में करूंगी। तो इन केस अगर मेरे ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक भी हो जाता है, तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो पार्शली अटैकर के पास आता है। मतलब कि अगर मैंने आपको मैसेज किया है हेलो वर्ल्ड, तो उसके पास वो अटैक करने के बाद हेलो वाला जो वर्ड है वो उसके पास आ जाएगा, बट उसको पूरा मैसेज नहीं मिलता। तो डीएस में क्या होता है कि अगर सपोज ब्रूट फोर्स अटैक हो भी गया आपके मैसेज के ऊपर, फिर भी उसको पार्शली मैसेज रिसीव होता है, बिकॉज 16 राउंड में हम लोग 16 अलग कीज का यूज करते हैं। तो अगर अटैकर ने अटैक कर भी लिया और उसको 4-5 कीज जो है रिसीव हो भी गए, फिर भी उसको पूरा मैसेज रिसीव्ड नहीं होता। इसकी वजह से डीएस जो है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन अभी डीएस कैसे वर्क होता है वो हम लोग देखते हैं। कल का जो डायग्राम है उसी को फॉलो करेंगे।
डायग्राम दिख रहा है दोनों को? कल का ही डायग्राम है, जो कल हमने देखा था वही डायग्राम है। डायग्राम दिख रहा है क्या, या कल वाला ही दिखाऊं फोटो? बोलो जल्दी। बिस्मा सोनाली बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या फिर कल वाला दिखाऊं? ओके, तो इसके अंदर हमने कल देखा था। कल हमने देखा था कि हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो 64 बिट का की है उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो दो पार्ट रहेंगे एल साइड, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ में इक्वल पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 34 34 बिट में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डीएस में सेम है कि आपको 64 बिट का जो है की मिलेगा, 64 बिट का की मिलेगा, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। दो पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड वाला जो 32 बिट है आपका, वो 32 बिट के ऊपर आपको फंक्शन जो है परफॉर्म करना है। और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कल मैंने फेस्टल राउंड में आपको बोला था कि आप लोग कितने भी बिट की ले सकते हो, बट जब आप लोग डीएस एल्गोरिदम यूज करोगे तो आपको 48 बिट की यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, 48 बिट की आपको यहाँ पे यूज करनी है, और कंपलसरी 48 बिट की ही लेनी है, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। तो 48 बिट की ये की प्लस आपका 32 बिट का ये की, इन दोनों के ऊपर आपको फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके, तो जब आप लोग इन दोनों के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करोगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट के साथ आपको 32 बिट का ये आउटपुट के साथ आपका जो 32 बिट जो लेफ्ट साइड में रहेगा, इन दोनों के ऊपर आपको एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जब आप लोग 48 बिट की प्लस 38 बिट की के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, या फिर आप लोग इसके ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो ये क्या रहता है आपका 56 बिट का की बन जाता है। ठीक है, तो ये 56 बिट का की और ये 32 बिट का की, इन दोनों का जब आप लोग कॉम्बिनेशन करोगे तो इसका जो एग्जॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये एग्जॉर ऑपरेशन आपका जो आउटपुट एक देगा वो 32 बिट का आउटपुट रहता है। ठीक है, तो 32 बिट का ये जो आउटपुट आपको मिलेगा, इसको आपको राइट साइड में सेंड करना है। तो मैंने आपको बोला कि डीएस में जो है ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर दोनों चीजें यूज होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सओआर ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया तो आपका स्ट्रीम साइफर हो गया, बिकॉज स्ट्रीम साइफर हमें क्या बोलता है कि आपको सिंगल सिंगल बिट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आया वो मैंने उठाया यहाँ से और मैंने राइट साइड को सेंड किया। राइट, तो ये जो पूरी तरह से ब्लॉक है मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो ये यहाँ पे मेरा क्या होता है, ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि आपको पूरे ब्लॉक को जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ का जो आउटपुट मैंने राइट साइड में सेंड किया, और यहाँ पे 32 बिट का जो 32 बिट का जो एक आउटपुट आएगा उसको आपको लेफ्ट साइड में जो है कन्वर्ट करना, लेफ्ट साइड में जो है ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट साइड में आप लोगों को दो न्यू वैल्यूज मिलेंगे। तो वो जो वैल्यूज रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, साइफर टेक्स्ट, बट कौन से, फर्स्ट राउंड के साइफर टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से आपका जो है सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, और सेकेंड राउंड के लिए फिर से आपको न्यू 48 बिट की जो है की लेनी है। ठीक है, फिर से आपको 48 बिट की लेनी है, और सेम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है जो आपने यहाँ पे किया था। और ऐसे आपको कहाँ तक करना है, टोटल 16 राउंड आपको परफॉर्म करने। समझ में आया क्या करना है आपको, 16 राउंड आपको परफॉर्म करने हैं। तो एट द एंड जब आपके पास 16 राउंड आपके खत्म हो जाते हैं, तो आपको एक
जो की मिलती है वो 32 बिट की मिलेगी, और वही आपका क्या रहेगा, साइफर टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपके डीएस का सिर्फ ओवरव्यू है, क्लियर? ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसको और डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये डीएस का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बट आपको ओवरव्यू समझ में आया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये हमारा पार्ट वन वीडियो है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट टू में, कि जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि फंक्शन परफॉर्म होता है, फंक्शन में 48 बिट की जो की है वो 56 में जाती है, वो कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हर एक राउंड में परफॉर्म फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू डीएस एल्गोरिथम का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन यानी क्या, और फंक्शन के अंदर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर? ओवरव्यू वैसे बहुत इजी है, जैसा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से समझ के लो, कोई डाउट आया तो पूछो, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पार्ट फंक्शन यानी क्या, उसके अंदर कैसे परफॉर्मेंस होता है। हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इमेजेस भी आपको सेंड करती हूँ, एग्जाम्पल की जो ये है इमेजेस मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, पार्ट वन क्लियर है दोनों को? कुछ डाउट? ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।